और आपका सवाल था रेफरल इनकम कहाँ पे दिखाई देगा, तो इसके लिए देखते हैं ये पहले है कहाँ पे, अपडेट भी मांग रहा है ये। अच्छा ये फिर कैंसिल कर दीजिए, अभी वर्जन कैंसिल कर लीजिए। चेंज हो गया है। तो रेफरल के रिगार्डिंग तो हमने अभी जैसे ये आता रहता है इसको हमेशा हटा दिया करें, तो रेफरल के लिए वहाँ तक ये हमारा आईडी का हो गया रेफरल में, यहाँ पे होना चाहिए। पर दिख रहा सर, सवाल कहाँ पे? अच्छा नहीं दे इसको, मैं ढूंढता हूँ, मुझे मालूम है आशीष रंजन को याद होगा, बता देंगे। बताइए आशीष रंजन भाई को, फिर मेरा भूल जाता है ना। ठीक है ये रहा रेफरल, रेफरल का ये रहा। हाँ यहाँ पर भी है सर, ऊपर में लिखा। ये है लाइट का, ये प्रो है, और ये स्टैंडर्ड अपना जो नॉर्मली अपना फाइनल चलता है, तो अभी अपना स्टैंडर्ड का ओपन किया है, तो जिन्होंने 24 आवर में जो टॉप पे रहे हैं रेफरल में, वो उनका दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पे अगर आप किसी को रेफर करते हैं 20% आपका उसकी ट्रेडिंग का इनकम मिलता है। ये रेफरल आईडी हो गया, ये रेफरल लिंक हो गया, ये लिंक भेज के आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं। मैंने ये देखे कहाँ पे, तो वो टोटल बोला आपका यहीं पे दिखेगा, ये रहा आपका यहीं पे रहेगा, ये लिखा ना जो टोटल बोनस, बोनस तो आपका रेफरल का ही है, आपका यहीं पे दिखाई देगा। तो इसको क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा सा एरो दे रखा है, ये रेफरल ये उसका टीम का हो, ये सभी का हुआ है, ऊपर भी थोड़ा सा ही डाटा होगा, ऊपर स्पोर्ट मार्जिन इंक्लूडेड है, यहाँ पे आपको क्लियर कर दिखाई देगा, स्पोर्ट का अलग दिखाई देगा, मार्जिन का अलग दिखाई देगा, फ्यूचर का अलग दिखाई देगा। बस ये तीन चीज है, तीन चीजों में आपको कमीशन मिलेगा, स्पोर्ट ट्रेडिंग पे, मार्जिन ट्रेडिंग पे और फ्यूचर ट्रेडिंग पे। तो यहाँ आपका पूरा डाटा रहेगा, यहाँ भी है, यहाँ पे माइनिंग पे भी दे रखा है, यहाँ स्पोर्ट और मार्जिन दोनों को कंबाइन किया हुआ है, फ्यूचर को अलग रखा हुआ है, और एक माइनिंग का भी दिया हुआ है। ये रेफर का कमीशन बोनस पे आते हैं, कमीशन रिबेट पे आते हैं, रिबेट ये यानी आपका जो रेफर का ओवरव्यू रहेगा, आपका सारा डाटा यहीं पे रहेगा। तो हम लोगों ने किसी को अभी रेफर नहीं किया, तो मैं कहाँ से पहुंचे हैं, यहाँ कहाँ से पहुंचे हैं जरा दिखाइए, मैं देख नहीं पाया। ये यहाँ पे छोटा सा एरो है, ये एरो नहीं, अभी इससे लाइट क्लिक। डाल जाओ, इस वाले पेज पर कहाँ से आए वो वाला बताइए। अच्छा इस वाले पेज पर कहाँ से है, ये यहाँ पे स्टैंडर्ड है, बाय डिफॉल्ट अपना लाइट रेफरल एक्टिव रहता है, लाइट अपना अच्छा प्रो का है और हमें स्टैंडर्ड पे आना होता है, तो स्टैंडर्ड को जैसे ही क्लिक किए ये अपना ओपन होना चालू हो गया। तो यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड का ये अपना खुद का दिखाई देगा टोटल, यहाँ पे टोटल वैल्यू, और ये छोटा सा एरो है इससे हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, थोड़ा जो आप बताए ठीक है उसमें जोड़ देना चाहते हैं। यहाँ दो तरह का रेफरल आता है, एक तो जब आप किसी को अपना रेफरल आईडी परमानेंट आईडी दे देते हैं तो वो ये वाला पेज है जो 20% आता है, जो ट्रेडिंग करेंगे उनके ट्रेडिंग से जो फीस कटेगी उसका 20%। ठीक है, जैसे अशोक सर मेरे नीचे हैं
और अशोक सर ट्रेडिंग करेंगे, अशोक सर की फीस कटी $100, तो $100 में से $20 मुझे आएगा 20%। एक क्लियर हो गया। ये जो है परमानेंट आईडी अगर हम रेफर करेंगे किसी को तो, लेकिन अगर वहां एक और आता है जो कुछ समय के लिए होता है, उसमें क्या है कि कुछ हमें तुरंत मिल जाता है और केवल हम ट्रेडिंग करके खर्च कर सकते हैं, या वो ट्रेडिंग करेगा तब होगा। तो हमें परमानेंट अपना इसका रेफरल आईडी देना चाहिए बाइनेंस का किसी को, ठीक है जी अशोक सर। इतना मुझे इसमें जोड़ना जी। तो क्लियर हो गया प्रिया निराला जी। बाकी यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन यहाँ से हम चेक कर सकते हैं इनका क्या रूल एंड रेगुलेशन है, ये डिटेल में आ जाएगा। अब इतना पढ़ने के लिए बाइनेंस एज अपग्रेडेड ओवर एप्रल प्रोग्राम इनवाइट यूर फ्रेंड टू रजिस्टर एंड ट्रेड ऑन binance.com एंड यू एंड यूर फ्रेंड्स कैन शेयर अप टू 40% ऑफ द रेफरल कमीशन फ्रॉम दियर ट्रेडिंग फीस। ये लिखा यहाँ पे क्लियर कर, ये ट्रेडिंग फीस का ही यानी तो 40% जाएगा, 20 आपको मिलेगा, 20 होता हो उसको मिले या जैसा भी हो, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 40 का है, लेकिन यहाँ पर जो हमें दिया गया 20% का है। आगे क्या है रूल इसका, इनवाइटर कैन चूज टू यूर शेयर ए पोर्शन ऑफ द कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रेडिंग फीस ऑफ द फ्रेंड्स दे इनवाइट एज किकबैक। इनवाइटर कैन सेट द शेयरिंग रेट एज फॉलो, इफ द इनवाइटर्स डेली एवरेज BNB अकाउंट बैलेंस इज लेस देन 500 BNB and their base referral rate is 20%, they can choose to share 0%, 5%, 10% with the friend they invite. यानी ये शेयर करने के लिए बोल रहा है, अगर आपके पास 500 BNB से लेस है एंड their base the referral rate is 20%, they can choose to share, यानी उनके पास अधिकार है कि 0% भी दे, 5% भी दे, 10% भी दे, जिन फ्रेंडों को उन्होंने इनवाइट किया है। तो देने का काम तो कोई करेगा नहीं, लेने का ही काम करेगा कोई भी। तो यहाँ पे मोटा मोटा यही कहते हैं कि हमें मैक्सिमम 20% हमें मिलेगा यहाँ पे। तो डेली एवरेज बैलेंस है उसमें रूल शेयर इफेक्टिव, ये डेट एंड टाइम दिया हुआ है कब से इफेक्टिव है ये, गेट दी ग्रीन की इन्वाइट फ्रेंड एंड अर्न क्रिप्टो। हमें यहाँ पे BNB जैसे यहाँ पे BTC का BTC में हमें रिवार्ड भी मिल, तो सब पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। हमें 20% तो भी ट्रेडिंग फीस का ही हमें रिवार्ड मिलेगा, तो इस तरह आप किसी को रेफर कर सकते हैं। मैंने शायद एक को रेफर किया हुआ है पर वो कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहा, तो ये है अपना रेफर का। तो ये हम स्टैंडर्ड एक मतलब प्रो में स्टैंडर्ड में देखना है, प्रो में होगा ये अपना स्टैंडर्ड का। तो स्टैंडर्ड का अपना सीन एक एडवांस रेफर सेटिंग है, एड न्यू रेफरल जो रिसीव एंड फ्रेंड रिसीव। यहाँ पर तो क्लियर कर दिया कि आपको 20 मिलेगा, फ्रेंड को 0 मिलेगा, फ्रेंड को यहाँ बेनिफिट नहीं होगा। ये रेफरल लिंक कॉपी करने के लिए दे रखा है और यहाँ पे ऐड करेंगे तो यूर बेस कमीशन 20%, नोट में कुछ देना दे सकते हैं या सेट कमीशन दे सकते हो, यानी हमें सेट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप सेट भी कर सकते हैं या हम 30 करेंगे, ऐसे मैक्सिमम 20% ही तो है और मैक्सिमम ये 10 तक ही जा सकता है, इससे आगे ही बन नहीं रहा। सेट यानी इसमें मेरे ख्याल से ये होगा कि आपको 20% अगर ये कमीशन से आप सेट करना चाहते हैं तो उसमें से मैक्सिमम आप
दस तक कर पाएंगे, बाकी होता है 10 तक फ्रेंड को मिलेंगे, ये भी होता है। उतना मत बताइए, नहीं तो सब क्या फायदा है ज्यादा का। हमारा कहना है कि बस इतना है, उतना ही काफी है हम लोगों के लिए, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आप ज्यादा बता देंगे समझे नहीं। जरा फाइनेंस को ओपन करिए एक बार, कहाँ है बता दिए, होम पेज पे आइए, होम पेज पे आइए और आइए। अब यहाँ एक मिनट, यहाँ से कहाँ गए थे आप, ऊपर गए, हमारे में शो नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। मेरा तो मैंने यहाँ पर रेफर ऐड किया हुआ था शॉर्टकट में, मैं कहीं और ढूंढ रहा था, ये शॉर्टकट अच्छा। मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ था, अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ मोड पे ऑप्शन पे जाएंगे, अच्छा यहाँ से भी आ जाएगा। जी रेफर का इधर ही था, हाँ चलिए ढूंढ लेंगे, समझ गए। हाँ गया अभी, फिर मिल नहीं रहा मुझे, लगता ऊपर ही है कहीं। मैं समझ गया सर, रेफरल तो क्योंकि पहले वहां से था, ये हमेशा हटा दे रहे हैं ना, तो मैं ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रहा था। मैं यहाँ से भी गया था, वो सेम पेज ही ओपन होता है, इसी में रहता है। ठीक ठीक, ये रहा यहाँ ऊपर में दिख रहा है, गिफ्ट 10 कैंपेन में है और यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो डायरेक्ट दर्शन को क्लिक करेंगे वहां पहुंच जाएंगे, है ना। अब देर करते नहीं, पहले वहीं पे ले जाता था। लाइट अपने कहां दिख रहा हूँ, उसी में दिख रहा है लाइट अपने भी, लाइट का लोग दोनों उसके है सर, और बैक पास अपना लाइट वाला सेटिंग रहता है, तो स्टैंडर्ड वाला में करना पड़ता है।